चलो आज बनाते हैं ग्रिल चिकन कुर्मा। यहाँ मैंने ऑनियंस को फ्राई किया है तो गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना पड़ेगा। इटी और चिंपी दोनों भूख लगने के वक्त इधर आए तो हमने उनको थोड़ा फूड दिया। और ये मेरी बेटी ने उसको ड्रेस बनाया था, कैसा लग रहा है देखो, कितना क्यूट लग रहा है ये चिंपी, माशाल्लाह। तो ये कितना क्यूट बच्चा, आपको पता है रास्ते में किसी ने उनको बॉक्स में डाला था, चार बच्चे थे। तो इसमें इस बच्चे को हमने जब पोस्टर देखा तो उसको तभी हमने सोचा कि हम अडॉप्ट करेंगे हमारे किटी के लिए। तो कितना प्यारा है देखो, कैसे लोग इसको बॉक्स में डाल के रास्ते में उड़ाते हैं, कितना छोटा बच्चा है कैसे सर्वाइव करेगा रास्ते में। तो हमने कोरिएंडर और ग्रीन चिल्ली को वॉश करके इसका पेस्ट बनाने के लिए रेडी किया है। हमने फर्स्ट फ्राइड ऑनियंस का पेस्ट किया है और आगे हमने ग्रीन चिल्ली का भी पेस्ट बनाया, जो ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर था उसको मिला के हमने पेस्ट बनाया। और इस पेस्ट के बाद हम सभी मसाले को रेडी करके रखा है इधर, कोरिएंडर मसाला, गरम मसाला, पेपर पाउडर, चाट मसाला, दही, अमूल क्रीम, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो हमने चिकन को वॉश किया है और दही लिया है बड़ी बॉल में और इसमें हम लोग सब मसालों को डालेंगे। सॉल्ट और लेमन को डाला है और इसमें हम लोग डालेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट जो कोरिएंडर के साथ बनाया है। इसमें मिलाएंगे ऑनियन पेस्ट, ये बरिस्ता बनाया था उसका पेस्ट। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे सही से। चिकन को हम इस मसाले में मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मैरिनेट होने के बाद इसको हम पकाएंगे। फ्राई किए हुए चिकन को हम लोग निकालेंगे, अभी हम लोग इसको ग्रिल करेंगे। तो ग्रिल के लिए इसमें थोड़ा बटर लगाएंगे और डायरेक्टली फायर पे मेरे हस्बैंड ने रखा है, देखिए कैसे ग्रिल करते हैं। और ग्रिल के बाद हम लोग इसका ग्रेवी भी बनाएंगे, तो एंड तक देखिएगा हम लोग कितना टेस्टी ग्रेवी बनाते हैं जो आप नान या राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो अभी हम लोग ग्रिल कर रहे हैं, देखिए ऐसे ग्रिल करना है कि दो साइड से भी
अच्छे से कुक होना चाहिए। बटर के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा होगा। और इसके बाद हम ग्रेवी बनाने का तैयार करेंगे। आपको ईद मुबारक हमारे तरफ से। फराज इज्जा किदा माइसेल एंड फ्रॉम रजिया, ईद मुबारक सबको। सबका मतलब दुआ कबूल कर दे, सबको खुशी मिल दे। ईद मुबारक। बोल दे फराज। ईद मुबारक होगा। ईद मुबारक। ओके Good.